नहीं रखा हुआ हुआ तो क्या होगा? नहीं फिर आदमी क्या हो ना कि यार फिर मैं जो हूँ वो फिर हूँ ही नहीं, अगर मेरी बात गलत निकली मैंने यहीं ला के दिखा दिया उसे तो यहीं तो क्या होगा? अब तो वो ला के दिखाने तो है सिर्फ, और क्या करना है बताओ? फिर अब तक जो तुमने एलईडी में लिखा है वो ये लिखा है कि एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक के अगर अभिनत किया हुआ पीएन संधि डायोड होता है, इससे उत्सर्जित प्रकाश अधिकांश प्रकाश जो होता है वो परावैगनी क्षेत्र और दर्शक क्षेत्र में पड़ता है।
फोटो डायोड में देखो, कभी कभी ना ऐसा था, फोटो डायोड का प्रतीक बनाइए तो ये होता है। ऐसे कल उसका एलईडी का बनाया था हमने, ठीक है जी। तो प्रतीक को याद रखना, उसमें लाइनें निकलते हुई थी क्योंकि वो उत्सर्जक था, इस पर आपतित हो रहा है तो इसमें लाइनें डाली जा रही हैं। फोटो डायोड में कांच के एक पारदर्शी बॉक्स में कांच के एक पारदर्शी बॉक्स में पीएन संधि डायोड रखकर रखकर इसे उत्क्रम अभिनति करते हैं इसे बैट ऐसे लिखना इसे बैटरी बी द्वारा उत्क्रम अभिनति करते हैं बैटरी बी द्वारा उत्क्रम अभिनति करते हैं उत्क्रम अभिनति करते हैं इस कांच के पारदर्शी बॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? बॉक्स डब्बा हो सकता है, चलो डिब्बा नहीं लिख रहे, बॉक्स ही लिखो। मैं सोच रहा कभी हिंदी में कुछ अच्छी भी नहीं हो। बॉक्स, अरे इस कांच के इस पारदर्शी बॉक्स के एक भाग को छोड़कर शेष अन्य आंतरिक भागों पर काला पेंट कर देते हैं नई लाइन लिखेंगे नई लाइन जब पीएन संधि डायोड पर प्रकाश आपतित नहीं किया जाता है प्रकाश आपतित नहीं किया जाता है तो परिपथ में एक सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है जिसे अदीप्त धारा कहते हैं दिखाई दे रही है ग्राफ में अदीप्त धारा तब होती है जब प्रकाश नहीं डाला है उस पर से अदीप्त धारा कहते हैं फर्स्ट ऑफ लाग लिखो जब संधि डायोड पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो डायोड के भीतर बहुत अधिक संख्या में सहसंयोजक बंध टूटते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन तथा कोटर मुक्त होते हैं जिसके फलस्वरूप परिपथ में धारा का मान अचानक बढ़ जाता है
बढ़ जाता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान भी बढ़ता है, परिपथ में धारा का मान भी बढ़ता है। धारा का मान भी बढ़ता है, इसलिए फोटोडायोड का प्रयोग, इसलिए फोटोडायोड का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। फोटोडायोड का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में किया जाता है। नोट लिखो, एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बार बार ये दिया जाता है। जब पी क्षेत्र में, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक, बहुत अधिक संख्या में क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन या कोटर? देखो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना ये वाली बात, पी क्षेत्र में ये मत समझना कि सिर्फ क्वार्टर होते हैं, अगर 100 क्वार्टर होते हैं तो एक दो इलेक्ट्रॉन भी होता है जिन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आया था कि पी क्षेत्र में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, तो हम कहेंगे पी क्षेत्र में बहुसंख्यक क्वार्टर होते हैं और अल्पसंख्यक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एन क्षेत्र की बात करो, जबकि एन क्षेत्र में बहुसंख्यक क्या होंगे, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक क्वार्टर होते हैं। हेडिंग है एवलांस भंजन। एवलांस भंजन, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में, अग्र अभिनत में मिली एम्पीट, मिली एम, मिली एमीटर में धारा प्रवाहित होती है, मिली एमीटर एम ए लिख देना तुम, एम ए, जब मैं माइक्रो एमीटर बोलूँ तो म्यू ए लिख देना, ऐसा करके चाहो तो हिंदी में भी लिख दो कोई बात नहीं। मिली एमीटर में धारा प्रवाहित होती है परंतु, परंतु परंतु उत्क्रम अभिनति में, परंतु उत्क्रम अभिनति में एक सूक्ष्म धारा, उत्क्रम अभिनत में एक सूक्ष्म धारा माइक्रो एमिटर कोटि की प्रवाहित होती है, माइक्रो एमिटर कोटि की प्रवाहित होती है, वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाने पर भी धारा का मान नहीं बढ़ता है, वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाने पर भी धारा का मान नहीं बढ़ता है। यदि, फुल स्टॉप लगा लिखो, यदि
यदि उत्क्रम अभिनत में देखो एवलांस भंजन की परिभाषा यहां से हो रही है, अभी तो हमने एक माहौल बनाया ऊपर का बस, हम माहौल बनने के बाद में अब लिखेंगे वहां से परिभाषा अकेले ही ये वाली से। इसे कहते हैं मेकअप, ठीक है जी, जो अब लिख रहे हैं एवलांस भंजन में, तो ये मेकअप चल रहा था अभी तक। चलो अब लिख लो क्या लिखा था यार, सारे सेंटेंस तोड़वा देते हैं। अभिनत में वोल्टेज का मान लगातार बढ़ाते जाएं, यदि उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज का मान लगातार बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि डायोड में रुको एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा का मान अचानक एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा का मान अचानक अचानक बढ़ जाता है धारा का मान अचानक बढ़ जाता है जिस वोल्टेज पर धारा का मान अचानक बढ़ता है जिस वोल्टेज पर धारा का मान अचानक बढ़ता है धारा का मान अचानक बढ़ता है उसे भंजक वोल्टेज कहते हैं। कह है लास्ट में, उसे भंजक वोल्टेज B0, यह है B0 कैपिटल में, उसे भंजक वोल्टेज B0 कहते हैं। और यह क्रिया एवलांश भंजन कहलाती है पहले वोल्टेज जो भंजक है, क्रिया जो है वो भंजन है, एवलांश भंजन कहलाती है। इसका कारण यह है कि वोल्टेज का मान बढ़ने पर डायोड में बहुत अधिक संख्या में सहसंयोजक बंध टूटते हैं।
पीएनपी, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बाद में अगला हेडिंग जब तुम बना लोगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो सेम ऐसे बना लो, बस पी की जगह एनएन कर दो, बाकी सेम परिभाषा है। और प्रतीक में जो है वो तीन नीचे को लग रहा था पीएनपी में, इसमें एन ऊपर को लग रहा है, एन से निकलना हो गया, पी से प्रवेश हो गया, तो इसे याद रखना। अब इसकी क्रियाविधि होगी कल तुम्हारी, खिस्तन गाना कम से कम दो पेजों में थ्योरी थ्योरी जाएगी, नीला नीला हो जाएगा पेज।